तो इस पागल इंसान का इदराक किया जाना चाहिए और इस वक्त कौम में, अदारों में, हर जगह पे ये कंसेंसस है कि इस पागल आदमी को रोका जाए। अस्सलाम वालेकुम नासरीन। नासरीन इमरान खान के मुखालिफ में राणा सनाउल्ला गुंडागर्दी पर उतर आया। राणा सनाउल्ला का कहना था कि अगर कल 4 बजे इजलास ना हुआ और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो हम चीफ मिनिस्टर हाउस को सीज कर देंगे, जिस पर समी इब्राहिमी ने राणा सनाउल्ला को मुंह तोड़ जवाब दिया। इन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये गुंडागर्दी की इंतहा है और राणा सनाउल्ला ने एक दफा फिर साबित किया है कि चौधरी शेर अली जो कहता था इनके बारे में कि इन्होंने 19 मर्डर किए हैं, मुझे तो आज वो बात बिल्कुल सच लग रही है। पिछले 7-8 महीने में आप देखें, इमरान खान पर गोलियां चली, अरशद शरीफ को शहीद किया गया, सहाफियों को मारा पीटा गया और न जाने क्या कुछ हुआ, और अब आज उन्होंने बिल्कुल उसी टोन में इंतहा कर दी है। नासरीन, आपने सुना, ये सरासर गुंडागर्दी है और राणा सनाउल्ला की तो रेपुटेशन पहले से ही खराब है। पहले भी ये कई लोगों की जान ले चुके हैं और आज भी ये गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। हम आप गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, ये कानूनी मामला है और अगर इनको इससे कोई भी मसला है तो अदालत में जा सकते हैं।